नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ESIC के अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत जिन कर्मचारियों की नौकरी छूट जाती है तो उनको मैक्सिमम 3 महीने तक का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यानी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के बीच में जिन कर्मचारियों की नौकरी छूट गई है उनको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ESIC की तरफ से डबल बेनिफिट दिया जा रहा है। और इसके लिए 31 दिसंबर 2020 क्लेम करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 5 लाख कर्मचारियों ने योजना का लाभ पाने के लिए क्लेम नहीं किया है जिनकी नौकरी छूट गई थी। और इसके मद्देनजर ESIC ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं ESIC के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर इसके बारे में बताया गया है कि वे कर्मचारी जिनकी 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में नौकरी छूट गई है वे अब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए 30 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि अब ESIC के अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पाने के लिए 30 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है उसे अब बढ़ा दी गई है। दोस्तों, मैं आपको इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन पर, जहां से आप ESIC के अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कैसे क्लेम करना है और इसके बाकी जानकारी पता कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ESIC ने इसे एक्सटेंड कर दिया है इसके अंतर्गत मिलने वाले बेनिफिट को। सबसे पहला, ESIC के अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने के 3 महीने बाद क्लेम कर सकते थे, लेकिन इस समय नौकरी छूटने के 1 महीने बाद ही क्लेम कर सकते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते में सैलरी का 25% यानी कि 25% मिलता था, लेकिन इस समय सैलरी का 50% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसे डबल कर दिया गया है। यहां पर न्यूनतम 30 दिनों तक बेरोजगार रहने पर जो है इसका लाभ मिल जाएगा। क्लेम के लिए दावे को एम्प्लॉयर के पास जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कर्मचारी स्वयं जो है ऑनलाइन फॉर्म भर के डायरेक्ट अपने ESIC ऑफिस में क्लेम जमा कर सकते हैं। नौकरी छूटने के पहले 2 वर्षों के 4 अंशदान अवधि में से प्रत्येक में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान चाहिए होता है, लेकिन इस समय केवल 2 अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान होने पर भी क्लेम कर सकते हैं। नौकरी छूटने के पहले अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान और शेष 3 अंशदान अवधि में से किसी भी एक अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान होना चाहिए। दावा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर कुल मिलाकर ESIC की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। अब दोस्तों, आप इसके लिए 30 जून 2021 तक जो है क्लेम कर सकते हैं और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऊपर आई बटन पर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए और इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।